फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, ठीक है, क्या दे रखा है, रूट टू एक्स प्लस रूट थ्री वाई इक्वल टू जीरो और रूट थ्री एक्स माइनस रूट एट वाई इक्वल टू जीरो, ठीक है। इसमें ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन सेकेंड हो गया, लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहले से कर रहे हैं तो इसमें भी वेरिएबल को हम लोग क्या करते हैं, फ्री करते हैं, सेम प्रोसेस होगा, कुछ भी चेंज नहीं करना, बस प्रोसेस सेम रहेगा। यानी क्या है, टू एक्स प्लस रूट थ्री वाई इक्वल टू जीरो है ना, तो पहले इसको हम लोग क्या करें, साइड चेंज करें, यानी ये हो जाएगा टू एक्स इक्वल टू आ जाएगा माइनस रूट थ्री वाई, ठीक है। अभी क्या है, ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में, एक्स इक्वल टू आ जाएगा माइनस रूट थ्री वाई अपॉन में रूट टू, और इसको अच्छे से लिखना चाहोगे तो रूट रूट के अंदर थ्री बाई टू लिख सकते हो। अब इसी को क्या करो, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन, किस में रखेंगे, सेकेंड में, फर्स्ट से निकाले सेकेंड में रखेंगे, सेकेंड वाला क्या दे रखा है, रूट थ्री एक्स माइनस रूट एट वाई इक्वल टू जीरो, ठीक है। एक्स की वैल्यू कितना आया था, तो माइनस रूट थ्री वाई अपॉन रूट टू, यानी रूट थ्री इंटू माइनस रूट थ्री वाई अपॉन रूट टू, ठीक है। अब माइनस ये क्या आ जाएगा, रूट एट वाई इक्वल टू जीरो, यही है। तो रूट थ्री क्या हो जाएगा, रूट थ्री और रूट थ्री रूट गायब हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा रूट, ये आ जाएगा तुम्हारा थ्री वाई हो जाएगा, ठीक है। अपॉन ये चल रहा है तुम्हारा रूट टू माइनस रूट एट वाई इक्वल टू जीरो। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इधर हो जाएगा, तो माइनस थ्री वाई, ये रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा एट इंटू टू वाई, रूट टू इंटू रूट एट क्या हो जाएगा, रूट के अंदर सिक्सटीन, ठीक है। तो ऐसे ये हो गया, नीचे क्या चल रहा है, ये रूट टू इक्वल टू जीरो चल रहा है, इधर डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी नीचे वाला टर्म क्या हो जाएगा जीरो, ये क्या बचा थ्री वाई, और रूट में ये एटीन हो जाएगा, सिक्सटीन हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू जीरो, और रूट में सिक्सटीन रूट के बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये रूट में सिक्सटीन रूट के बाहर निकालेंगे तो फोर ना, तो ये माइनस थ्री वाई और माइनस फोर वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो, थ्री फोर करेंगे तो सेवन वाई इक्वल टू जीरो, वैसे भी ये पूरा उधर जाएगा तो वाई की वैल्यू कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, वाई की वैल्यू जीरो। अब इसको क्या कर दो, वाई इक्वल टू जीरो पुट इन इक्वेशन सेकेंड, सेकेंड से निकाले फर्स्ट में रखे, फर्स्ट से निकाले सेकेंड में रखेंगे, यानी ये आ जाएगा रूट थ्री एक्स माइनस रूट एट इंटू जीरो इक्वल टू जीरो, तो ये क्या हो जाएगा, रूट थ्री एक्स माइनस जीरो इक्वल टू जीरो, उधर ले जाओगे तो जीरो, रूट थ्री एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो, और ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में एक्स इक्वल टू जीरो बाई रूट थ्री, यानी कि जीरो। ऐसे एक्स और वाई दोनों की वैल्यू क्या आ रहा है हमारा, जीरो आ रहा है, ठीक है।